प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे आपके राशिफल की लाल किताब के अनुसार। तो आज है 24 जनवरी 2023 और साथ साथ दिन है सोम। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे लाल किताब के अनुसार कैसा रहेगा आपका आज का दिन। और आज है 24 जनवरी 2023, दिन है मंगलवार का। वहीं पर अगर बात करें मेष राशि के जातकों की, क्योंकि सबसे पहले मेष राशि आती है, तो मेष राशि के जातकों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप लोगों का दिन आज के दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आज कहीं इन्वेस्ट ना करें, मगर घूमने फिरने जाएं। आज आप सोशली जो है अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करें, मगर वहीं पे अगर धन जो है खर्चा करने की या इन्वेस्ट करने की एक बड़े लेवल पे बात आती है, तो उससे थोड़ा सा बच करके रहें, नहीं तो धन को लेकर के नुकसान हो सकता है। घूमने फिरने जाएं अच्छा रहेगा, मगर ज़्यादा धन खर्च ना करें, यानी ओवर एक्सपेंस ना करें। आपके लिए बेहतर रहेगा आज के दिन आप लोग जो है हनुमान जी की उपासना करें और साथ साथ आज बजरंग बाण का पाठ अवश्य कर लें। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। तो वृषभ राशि के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, और हो सकता है आज किसी आध्यात्मिक जगह पर भी आप जाएं। परिवार के साथ आज समय बिताएंगे और साथ साथ देखा जाए तो बच्चों का भी आज के दिन आपके साथ एक अच्छा तालमेल बैठेगा। तो हो सकता है जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, या बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, माँ बाप के साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पाते, उनके लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा। आप लोग एक साथ समय बिता सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन हनुमान जी की उपासना करके उनके सामने जो है आप इलायची ज़रूर अर्पित करें, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे अगली राशि मिथुन राशि के जातकों की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो आज का दिन आप लोग अपने पिता के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। आज पिता के साथ समय बिताने से आपको अच्छा आने वाले समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी आज के दिन अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वैसे तो हमेशा ही करना पड़ता है, मगर ये स्पेशली बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पिता से लड़ाई झगड़ा भी कर बैठते हैं, रूठ बैठते हैं। तो इसीलिए आज के दिन अपने पिता को कोई उपहार दें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप करियर अभी बना रहे हैं तो आज के दिन करियर को लेकर भी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप लोग जो है हनुमान जी को जलेबी ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे अगली राशि की। हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। बड़े भाई के साथ अगर संबंध खराब हो रहे थे, तो अब आज के दिन जो है बड़े भाई से जो आपकी परेशानी थी, जो चिंताएं थी, वो सब समाप्त होकर उनसे सुलह हो जाएगी, और कहीं ना कहीं रिश्तों में जो दरार थी वो भी समाप्त होगी। वहीं पर आज कार्य को लेकर के तरक्की प्राप्त होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में भी बड़ा लाभ हो सकता है। बात करेंगे आपके उपाय की। तो आपके लिए अच्छा रहेगा आज के दिन खीर का भोग हनुमान जी को ज़रूर लगाएं। चलिए बात करते हैं हम सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्राएं आज के दिन बहुत सारी हो सकती हैं, मगर यात्रा पे जाते वक्त आप जो है दुर्घटना और विवाद से बचे रहें। ऐसा करने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा, कि अगर किसी भी बात पे आप फंसते हैं वाद विवाद में, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, और इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा या फिर इस तरह के चक्कर भी आपको लगाने पड़े। तो इसलिए अपने आप को आज शांत बनाए रखिएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा हनुमान जी की उपासना करके बजरंग बाण का ही पाठ करें, ताकि शत्रुओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो, और ये सुबह सुबह के समय ही कर लें, ताकि घर से निकलते वक्त आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के लिए आज का दिन खास रहेगा। आज आप लोग अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन द सेंस कि आज आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं कन्या राशि की, वो कहीं घूमने फिरने जा सकती हैं, या फिर अपनी फ्रेंड्स किटी पार्टी में जा सकती हैं, या अपने ब्यूटी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी ब्यूटी पार्लर जा करके आप कुछ अपने अंदर चेंज करा सकते हैं। तो कन्या राशि की महिलाओं के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा स्पेशली। और अगर हम पुरुष की बात करें, तो डेफिनेटली पुरुष भी आज के दिन अपने अंदर कुछ नया चेंज ज़रूर लेकर के आएंगे, नहीं तो नए वस्त्र आज आप खरीद सकते हैं। तो आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर खर्चे का दिन है, तो आज खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण लगा करके ही चलिएगा।
बात करेंगे आप लोगों के लिए उपाय की। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है आज के दिन हनुमान जी की उपासना करके और साथ साथ पीपल के पत्ते उनको अर्पित करें, 3 पत्ते अर्पित करें, उस पर 3 लौंग रख के अर्पित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। परिवार के साथ सपोर्ट आपको परिवार का मिलेगा, मगर वहीं पे शाम के बाद जो है किसी परिवार के सदस्य के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है, जिस वजह से पूरा का पूरा मूड स्पॉइल हो सकता है, और वो भी आपका नहीं सबका। तो इसलिए कोशिश करें कि आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के चलिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके उपाय की बात करें तो आज के दिन बेहतर रहेगा आप रामचरितमानस का पाठ करें, या फिर कोशिश करें कि आज घर में सभी के साथ बैठ करके अगर शाम के समय में रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो ये जो परेशानी है ये भी टल सकती है। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आज आप लोग कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और साथ साथ आप लोग जो है आज कोई एनर्जेटिक कोई काम कर सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से आलस कर रहे थे किसी काम को करने के लिए, आज वो काम भी आप लोगों का हो सकता है। तो आज का दिन ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए क्या सही रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग आज के दिन जो है हनुमान जी की उपासना करके उनको आज लाल फल अर्पित करें, चाहे सेब या अनार कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। बात करेंगे धनुराशि के जातकों की। तो धनुराशि के लिए आज दिन अच्छा रहेगा, आप लोग बुद्धि से काम लेंगे, यानी जो अभी तक काम आपके बिगड़ रहे थे अब वो काम आपके ठीक तरह से हो पाएंगे। तो ओवरऑल दिन आप लोगों का भी अच्छा रहेगा और साथ साथ बुद्धि भी आज आपकी तीव्र होगी। अगर बात करें आप लोगों के उपाय की तो आज के दिन राम जी को आप लोग जो है जलेबी का भोग अवश्य लगाएं और उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद के रूप में खिलाएं, हनुमान जी भी खुश और भगवान श्री राम भी खुश। बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, पिता का सपोर्ट रहेगा। जो लोग स्पेशली अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। फादर के साथ बिजनेस करेंगे तो आपको आज के दिन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनका सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा आज जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बात करेंगे आप लोगों के उपाय की। तो आज के दिन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा हनुमान जी की उपासना करें और पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जला दें। बात करेंगे हम कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है, किसी बड़े की बातों में आकर के आप परेशान हो सकते हैं, यानी हो सकता है घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं आज आपको वो कुछ बोल दें जिस वजह से आपका मूड स्पॉइल हो जाए। स्पेशली जो आपके पिता हैं या आपके दादा हैं या पिता समान कोई आपके घर में व्यक्ति है तो उनकी तरफ से आपको किसी तरह का मूड स्पॉइल होना हो सकता है। तो वहीं पे कोशिश ये करें कि ऐसी भी बात को दिल पे ना लें और उनके साथ समय अच्छा बिताने की कोशिश करें अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो तो उनके साथ बैठने वाला टाइम ही नहीं रह गया। अगर ऐसा लगता है आपको कि आप उनके साथ नहीं बैठ सकते तो आज जो है आप लोग कहीं बाहर घूमाएं, मगर किसी भी तरह की बहसबाजी आप किसी से बड़ों से ना करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है आज के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। बात करेंगे अंतिम राशि की, हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा आज अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, वहीं पर शाम का समय पार्टनर के साथ मोस्टली बीतेगा और अगर देखा जाए तो आज आपको लाभ भी प्राप्त होगा धन से संबंधित। आपके लिए अच्छा रहेगा आप आज जो है हनुमान जी की उपासना करके उनको बूंदी का प्रसाद ज़रूर अर्पित करें और साथ साथ उनको लाल चोला भी अर्पित करें, आपके सारे संकट कट जाएंगे, हनुमान जी की बस उपासना कर लें। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।